हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आपका एग्ज़ाम टूर पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ओलंपिक खेलों की, तो हमने बात किए थे ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए, कब से प्रारंभ हुए, किसके द्वारा प्रारंभ किए गए, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का प्रारंभ हम बात करते हैं। इसका प्रारंभ 1896 ग्रीस एथेंस में हुआ था। और फिर हमने बात की थी भारत ने ओलंपिक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो तो भारत ने ओलंपिक में हॉकी में 8 मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल। ये एक भारत के लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका था कि भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते। और हॉकी में टोटल 8 मेडल गोल्ड थे, एक रजत था और 2 कांस्य पदक थे। इस प्रकार भारत ने हॉकी में कुल 11 मेडल जीते। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में 1928 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, और आखिरी बार इंडिया ने 1980 के ओलंपिक में। हम बात कर रहे थे कुछ खिलाड़ियों की जिन्होंने हॉकी में और अन्य खेलों में भारत के लिए विशेष योगदान दिया। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि सन 2000 सिडनी ओलंपिक की बात कर रहे थे, इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में इंडिया को कांस्य पदक दिलवाया। 2004 के ओलंपिक की बात करते हैं एथेंस की, तो इसमें राजवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रिप शूटिंग प्रतियोगिता में भारत को रजत पदक दिलवाया था। अब आगे भी हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे, मगर हम देखते हैं कि पिछले कुछ जो ओलंपिक हुए थे 2008, 2012 और 2016 के, तो उसमें कहाँ हुए थे, कितने खेल थे, भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और क्या मेडल जीते हैं, इंडिया के खिलाड़ी कितने मेडल जीते हैं और दूसरे देशों ने कितने कितने मेडल जीते, हम उस बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। 2008 का जो ओलंपिक है ये कहाँ हुआ था, थोड़ा देख लीजिएगा। 2008 ये कौन सा ओलंपिक है, 29वां ओलंपिक। अभी तक कितने ओलंपिक खेले जा चुके हैं, 31 ओलंपिक खेले जा चुके हैं। तो ये कौन सा ओलंपिक है, 29वां ओलंपिक है जो कहाँ हुआ था, 2008 बीजिंग चीन की कैपिटल, याद रखिएगा 2008 में बीजिंग चीन में हुआ था। इसका नारा क्या था, यह हम कह सकते हैं मोटो, इसका मोटो था एक विश्व एक स्वप्न। क्या था, एक विश्व एक सब, वन वर्ल्ड वन ड्रीम, एक स्वप्न, ठीक है, क्या है, वन वर्ल्ड वन ड्रीम। फिर हम बात करते हैं इसका आयोजन कब से कब हुआ, मतलब इसका प्रारंभ और इसका समापन। जो 29वां ओलंपिक 2008 बीजिंग में हुआ था उसका आरंभ कब हुआ था, 8 अगस्त, और इसका समापन कब हुआ था, 24 अगस्त। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल हम बात करते हैं 28 खेल में कितनी स्पर्धाएं हुई थी, 302 स्पर्धा हुई थी। कुल 28 खेलों की 302 स्पर्धा इसमें दिखाई गई थी। 28 खेल की बात करते हैं तो 28 खेलों में होगा टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, जिमनास्ट, इस प्रकार से 28 खेल थे। इसमें भाग लेने वाले कुल राष्ट्रों की संख्या क्या थी, जिन राष्ट्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था खेलों में उनकी संख्या थी, कुल राष्ट्र जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनकी संख्या है 204।
204 राष्ट्रों ने बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, और इसका आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था इस ओलंपिक का? आधिकारिक उद्घाटन की बात करते हैं तो ये चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ, कौन थे? चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने बीजिंग ओलंपिक का उद्घाटन किया था। इनके उद्घाटन करने के बाद ही सभी खेलों का आरंभ हुआ। अब बात करते हैं ओलंपिक में भारत, मतलब 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने क्या, कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किए, ध्वजधारा कौन था, कितने पदक जीते हैं, उनकी बात करते हैं। तो ओलंपिक में भारत की बात करते हैं, जो ओलंपिक है 2008 ओलंपिक की बात करते हैं, 2008 ओलंपिक में भारत, तो भारत की ओर से 57 खिलाड़ी गए थे, 12 खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए। याद रखिएगा 57 खिलाड़ी थे, 12 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। हम बात करते हैं कि भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजधारक कौन था, ध्वजधारक की बात करते हैं जिन्होंने भारतीय झंडा को पकड़ा हुआ था, ध्वजधारक वो थे उद्घाटन समारोह में। उद्घाटन में ध्वजधारक कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौर। राजवर्धन सिंह राठौर वो है जिन्होंने 2004 के ओलंपिक में जो एथेंस में हुआ था उसमें रजत पदक जीता था, याद रखिएगा डबल ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में। और समापन में ध्वजधारक कौन थे? वो है विजेंद्र सिंह। कौन है? विजेंद्र सिंह, यह एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है। बात करते हैं इंडिया ने कुल पदक कितने जीते, इंडिया ने कुल 3 पदक जीते थे। पदक की बात करते हैं, इंडिया ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता। और भारत का स्थान कौन सा था पदक तालिका में? भारत का स्थान पदक तालिका में कौन सा था? वो था 51वें नंबर की थी भारत का स्थान पदक तालिका में। अब भारत ने जो स्वर्ण पदक जीता है तो वो कौन था जिसने स्वर्ण पदक जीता? उसका नाम है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, याद रखिएगा किसमें? एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। और अभिनव बिंद्रा वो व्यक्ति है जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया। और कांस्य पदक में 2 कांस्य पदक जीता, एक थे कौन था दो कांस्य पदक में? पहले व्यक्ति थे विजेंद्र सिंह और दूसरे व्यक्ति थे सुशील कुमार। विजेंद्र सिंह की बात करते हैं, विजेंद्र सिंह जो है वो मुक्केबाज है, मतलब बॉक्सिंग करते हैं। इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलवाया था। इसमें कैटेगरी चलती है मुक्केबाजों में, अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग वर्ग में, जैसे 75 किलोग्राम, 66 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, इस प्रकार के वर्ग में मुक्केबाजी में होता है। और सुशील कुमार जो थे वो रेसलर थे, कुश्ती रेसलर थे इन्होंने। और इनकी जो कुश्ती थी वो कौन सी थी? फ्री स्टाइल कुश्ती में 66 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने भारत को कांस्य पदक जितवाया था। देखो कुश्ती दो टाइप से होती है, एक होती है ग्रीको रोमन
और एक होती है फ्री स्टाइल। याद रखिएगा कि कुश्ती कितने प्रकार से की जाती है, दो टाइप से की जाती है, फ्री स्टाइल कुश्ती और दूसरा ग्रीको रोमन। तो सुशील कुमार ने भारत को कांस्य पदक जितवाया था और विजेंद्र सिंह ने भी भारत को कांस्य पदक जितवाया था। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज हैं, इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में और सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम में। विजेंद्र सिंह जो है हरियाणा के हैं और सुशील कुमार जो है दिल्ली से हैं। अब हम बात करते हैं कि 2008 के ओलंपिक में पहली बार भाग लेने वाले देश, तो वो कौन से पहली बार भाग लेने वाले तीन देश हैं जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में भाग लिया। वो तीन देश कौन कौन से थे? पहला था मार्शल द्वीप, दूसरा था मोंटेनेग्रो और तीसरा था तुवालु। याद रखिएगा इन तीनों का नाम पूछा जा सकता है। और ख़ासकर अभी पिछले जो ओलंपिक्स हुए 2008, 2012, 2016 के ओलंपिक्स, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रतियोगिताओं में इनसे क्वेश्चन आए भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और जो इसमें अगर पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कि पहली बार 2008 के ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों में कौन नहीं है, अब तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दे दिया गया, मार्शल द्वीप, मोंटेनेग्रो, तुवालु, माली, इस टाइप से, तो आपको ध्यान रहना चाहिए किसने भाग लिया था और किसने भाग नहीं लिया था। तो ये तीन भाग लिए थे और माली ने भाग नहीं लिया था, ऐसा इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब पदक तालिका में बात करते हैं, तो पहला स्थान किसका था पदक तालिका 2008 की? प्रथम चीन, जिस देश में हुआ था वो पहले स्थान पे था। इन्होंने 48 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते थे? 100। सेकंड नंबर पे कौन था? वो था यूएसए, इन्होंने 36 गोल्ड जीता और कुल पदक की बात करें तो 112। और थर्ड नंबर में कौन सा था? रूस, इन्होंने 24 गोल्ड जीता था और कुल पदक जीते थे इन्होंने 60। कुल पदक जीते थे 60। तो हम बात कर लेते हैं 2008 के ओलंपिक में इतना कुछ घटित हुआ था जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप इतना चीज़ भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं जो 30वां ओलंपिक हुआ था 2012 में, कहाँ? लंदन, ठीक है। 30वां ओलंपिक दो हजार बारह लंदन, ठीक है। लंदन में अभी तक 3 बार ओलंपिक हो चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1904, 1948 और 2012। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था और इसका समापन की बात करते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था, इस ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था 27 जुलाई से और इसका समापन हुआ था 12 अगस्त। इसका सिद्धांत या नारा या मोटो कह लीजिए, बहुत सारे उसको कह सकते हैं, कभी सिद्धांत करके पूछा जा सकता है या नारा के नाम से पूछा जा सकता है, ये इस ओलंपिक का मोटो क्या था? तो इसका मोटो था एक पीढ़ी से एक पीढ़ी को प्रेरित करना। क्या था इसका मोटो? एक पीढ़ी को प्रेरित करना, मतलब इंस्पायर अ जनरेशन, इंस्पायर अ जनरेशन, ठीक है। इस चीज को आप भूलिएगा नहीं। नारा ज्यादातर पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि खेल कितने दिनों तक चला, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, खेल ज्यादा से ज्यादा 16 दिन चलता है, ठीक है। ओलंपिक खेल जो है मैक्सिमम उनका 16 दिन का रहता है, भूलिएगा ना।
इसमें कुल राष्ट्र की बात करते हैं तो कितने राष्ट्र ने भाग लिया था, कुल राष्ट्र जिन्होंने इस ओलंपिक में भाग लिया था 204 तो पिछले ओलंपिक में भी थे, मगर इस ओलंपिक में एक राष्ट्र और बढ़ा, ठीक है, इस ओलंपिक में एक राष्ट्र और बढ़ा, तो इस प्रकार से कुल राष्ट्र हो गए 205। फिर हम बात करते हैं कि इसका शुभारंभ किसने किया, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन या शुभारंभ की बात करते हैं तो वो किया था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एंड और एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप द्वारा। कहाँ के? एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप द्वारा इसका प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे 29 खेलों की कुल 29 खेलों की कितनी स्पर्धाएं हुई थी, 302, याद रख लीजिएगा, कुल 29 खेल थे जिनकी स्पर्धा कितनी थी, 302 स्पर्धाएं थी। इस चीज को भूलिएगा नहीं, ये बहुत जरूरी है कि ओलंपिक कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, कौन सा ओलंपिक था, मतलब 29वां, 30वां, 31वां, प्रारंभ कब हुआ था, उसका समापन कब हुआ था, उसका नारा क्या था, राष्ट्र कुल राष्ट्र कितने सम्मिलित हुए थे, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि ओलंपिक में भारत, ये तो ओलंपिक का हो गया कि कहाँ हुआ था, अब ओलंपिक में हम भारत की बात करते हैं, ओलंपिक में भारत की बात कर लेते हैं तो भारत ने 83 खिलाड़ी उतारे थे 13 स्पर्धाओं के लिए, है ना, पिछले में कितने थे, 57 खिलाड़ी थे 12 खेलों के लिए, और इसमें कितने हैं, 83 खिलाड़ी 13 स्पर्धाओं यानी 13 स्पर्धाओं, ठीक है, उसके लिए 83 खिलाड़ी को पार्टिसिपेट किया गया था। ध्वज धारक की बात कर लेते हैं, अब ओलंपिक में भारत का ध्वज किसने धारण किया था, ध्वज धारक उद्घाटन में कौन था, उद्घाटन में सुशील कुमार ने 2008 के ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 66 किलोग्राम वर्ग में, जो पहलवान है, और समापन का ध्वज धारक कौन था, मैरी कॉम जो एक मुक्केबाज है, इसको याद रखिएगा, सुशील कुमार को ना पहलवान रेसलर है, ठीक है। इंडिया ने इस ओलंपिक में 6 पदक जीते, ध्यान रखिएगा कितने पदक जीते थे इंडिया ने, 6 पदक में याद रखिएगा 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक। अब रजत की बात करते हैं तो रजत किसने जीता, नाम है विजय कुमार ने रजत पदक जीता, किसमें, निशानेबाजी में रजत है। निशानेबाजी में कौन सी, अलग अलग टाइप से होती है निशानेबाजी, 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर रैपिड फायर और डबल ट्रैप। तो हम बात करते हैं कि विजय कुमार ने किस निशानी में रजत जीता था, वो थी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, याद रखिएगा 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की, है ना, इसमें विजय कुमार ने रजत पदक जीता था। फिर बात करते हैं अगला, सुशील कुमार ने पिछले ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और इस ओलंपिक में सुशील कुमार ने 2012 के ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता,
सिल्वर मेडल कुश्ती में, और किस वर्ग में 66 किलोग्राम वर्ग में और फ्री स्टाइल कुश्ती, कौन सी थी, फ्री स्टाइल कुश्ती थी। पिछली बार में उन्होंने 66 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था सुशील कुमार ने, और इस बार 2012 के ओलंपिक में सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। याद रखिएगा, गगन नारंग की बात करते हैं, निशानेबाज है गगन नारंग, इन्होंने कांस्य पदक जीता। इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता, काय में जीता इन्होंने कांस्य पदक, निशानेबाजी में, किसमें जीता, 10 मीटर एयर राइफल। पिछली बार जो है अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में 2008 बीजिंग ओलंपिक में हमको गोल्ड मेडल दिलवाया था, पर 2012 के ओलंपिक में गगन नारंग ने कांस्य पदक दिलवाया। अब आगे बात करते हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलवाया। ठीक है, याद रखिएगा, पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक दिलवाया बैडमिंटन। और आपको पता है बैडमिंटन जो है वो इंग्लैंड का खेल है। साइना नेहवाल। अब बात करते हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम ने भी भारत को कांस्य पदक दिलवाया, किसमें, मुक्केबाजी में, कोई फ्लाइट वेट, याद रखिएगा, किस कैटेगरी में, फ्लाइट वेट कैटेगरी, फ्लाइट वेट कैटेगरी में मैरी कॉम ने भारत को मुक्केबाजी में कांस्य पदक दिलवाया था। अब अंतिम है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त की बात करते हैं तो योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक दिलवाया भारत को कुश्ती में, और किस वर्ग में, 60 किलोग्राम वर्ग में, कोई फ्री स्टाइल। हम बात करते हैं कुश्ती में दो पदक आए थे, सुशील कुमार ने रजत पदक दिलवाया था 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक दिलवाया था कुश्ती में 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। ये तो हमारे हो गए ओलंपिक 2012 की बात। तो इसमें हम बात करते हैं कि इस ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन था और भारत किस स्थान पर था। प्रथम स्थान पर ओलंपिक की बात करते हैं, ओलंपिक में पहले स्थान पर था अमेरिका। अमेरिका ने 46 गोल्ड समेत कुल पदक जीता था, कितना, 104। दूसरा था चीन, चीन ने 38 गोल्ड जीता था और कुल पदकों की संख्या थी चीन के 87। तीसरा था ग्रेट ब्रिटेन, मतलब जहाँ पे ओलंपिक हुआ वो कहाँ, कौन से स्थान पे था, ग्रेट ब्रिटेन, वो था 29 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर और कुल पदक इनने जीते थे 65। और भारत की बात करते हैं तो भारत 55वें स्थान पे था, कौन सा था, भारत 55, है ना। और 2008 के ओलंपिक में भारत कितने, कौन से स्थान पे था, 51 पे। अभी भारत जो है 55वें स्थान पे है 2012 लंदन ओलंपिक में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की हम बात करते हैं 2016 के ओलंपिक की, जो कि हमारा 31वां ओलंपिक है, जो कहाँ हुआ था, 31वां ओलंपिक, 31वां ओलंपिक कहाँ हुआ था 2016, वो हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ है, ब्राज़ील, जो कब हुआ था 2016 में, इसको याद रखिएगा। इसका सिद्धांत क्या था या इसका मोटो क्या था, इस ओलंपिक का सिद्धांत था एक नई दुनिया, एक नई दुनिया।
अगर इसका पुर्तगाली में बात करते हैं तो पुर्तगाली में इसको क्या कहेंगे? पुर्तगाली में अपन इसको कहते हैं अम यू एम अम मुंडो एम यू एन डो डी ओ मुंडो नूगो एन ओ वी ओ। पुर्तगाली भाषा में एक नई दुनिया को इस नाम से जानेंगे। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कुल राष्ट्र कौन से थे, कितने थे? कुल राष्ट्र की बात करते हैं तो कुल राष्ट्र थे 207, 2008 में 204, 2012 में 205 और 2016 में राष्ट्रों की संख्या हो गई 207। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आयोजन कब हुआ था? इसमें 2016 के ओलंपिक की बात करते हैं, 2016 के ओलंपिक में दो नए खेलों को शामिल किया गया था, है ना? इसमें दो नए खेल शामिल किए गए 2016 के ओलंपिक में, जो रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था। उन खेलों का नाम था क्या? रग्बी सेवन और गोल्फ। गोल्फ तो जहाँ तक याद है कि वो बहुत पहले स्टार्टिंग में शामिल हो चुका था, शायद फिर किसी कारण से उसको हटा दिया गया हो और अब फिर से उसे 2016 के वर्ल्ड कप में, 2016 के ओलंपिक में शामिल किया गया है। आयोजन की बात करते हैं तो इस खेल में कुल 28 खेल थे। 28 खेल में 306 स्पर्धाओं में, स्पर्धा 28 खेल की कितनी स्पर्धा में, 306 स्पर्धा की बात करते हैं। तो इस खेल का जो आरंभ हुआ था कब हुआ था? 5 अगस्त को 2016 के ओलंपिक का आरंभ 5 अगस्त को हुआ था और इसका समापन जो है वो 31 अगस्त को हुआ था। ठीक है, इसका आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था ये भी आपको ध्यान रखिएगा। उद्घाटन, आधिकारिक उद्घाटन जो है वो कार्यकारी उपराष्ट्रपति थे माइकल टेमर, ब्राजील के कार्यकारी उपराष्ट्रपति, ब्राजील के कार्यकारी उपराष्ट्रपति कौन? माइकल टेमर। माइकल टेमर ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद से 2016 ओलंपिक का प्रारंभ हो गया, खेलों का प्रारंभ हो गया था। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस स्टेडियम में हुआ था, स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है। स्टेडियम था मकराना, मराकाना, मैरा मराकाना स्टेडियम, मकराना, सॉरी गलती हो गया, मराकाना स्टेडियम। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर था वीनियस। इसका मतलब होता है वन्य जीव का प्रतिनिधि। वीनियस कौन था? वन्य जीव का प्रतिनिधि वीनियस। ये 2016 ओलंपिक का शुभंकर था वीनियस। ओलंपिक 2016 में सबसे छोटी टीम किस देश ने पहुंचाई थी? वो था तुलाबु देश। ठीक है, 2016 ओलंपिक की सबसे छोटी टीम, सबसे छोटी टीम किस देश की थी? वो था तुलाबु देश। आपको भी ध्यान होगा कि तुलाबु देश को 2012 के विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि 2016 में जो दो नए देश जुड़े थे उनकी बात कर लेते हैं कि वो दो नए देश कौन से हैं। दो नए देश की बात करते हैं तो वो दो नए देश हैं। पहला देश है कोसोवा, कोसोवो, और दूसरा देश है दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा कि 2016 के वर्ल्ड कप में एक दो नए खेल और दो नए देश जुड़े गए थे। दो नए खेल है रग्बी सेवन और गोल्फ, और दो नए देश है कोसोवो और दक्षिणी सूडान। इसको याद रखिएगा। 2016 के ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला प्रतिभा
कौन थी? 2016 ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला प्रतिभागी कौन थी? वो थी गोरिका सिंह। कौन थी? गोरिका सिंह। कहाँ की है? नेपाल की। उम्र है 13 वर्ष। और किस खेल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? वो था तैराकी। ये 2016 ओलंपिक की कुछ खास फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखिएगा, जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। अब बात करते हैं कि इस ओलंपिक में भारत का क्या योगदान रहा। 2016 ओलंपिक में भारत, 2016 ओलंपिक के में बात करते हैं भारत की, तो उद्घाटन ध्वजवाहक की बात करते हैं, ध्वजधारक की बात करते हैं। ध्वजधारक या ध्वजवाहक उद्घाटन का कौन था? उद्घाटन का ध्वजधारक कौन था? वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में, आपको ध्यान होगा। और समापन में ध्वजवाहक कौन था? वो साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो पहली महिला, भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने कुश्ती में भारत को पदक दिलवाया था। तो इस ओलंपिक की बात करते हैं, 2016 के ओलंपिक में भारत की ओर से सिर्फ 2 व्यक्तियों ने पदक जीता था, एक था रजत और दूसरा पदक था कांस। जो रजत पदक जीता था वो जीता था पीवी सिंधु ने, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। और जो कांस पदक जीता गया था वो जीता था साक्षी मलिक ने, जो रेसलर है, मतलब कुश्ती लड़ती है। पीवी सिंधु का सामना जो है वो स्पेन की महिला खिलाड़ी से हुआ था, ठीक है, कोरोना मरी। अब इस ओलंपिक में बात करते हैं कि पदक तालिका में भारत के स्थान क्या था। पदक तालिका में भारत संयुक्त रूप से किसके साथ? भारत मंगोलिया के साथ संयुक्त रूप से कौन से नंबर पे था? 67वें, मतलब 67वां स्थान पदक तालिका में, ठीक है, 67वां स्थान था। पहला स्थान था पदक तालिका में यूएसए का, जिन्होंने 46 गोल्ड सहित कुल पदक जीता था, कितना? 121। दूसरे नंबर था ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने 27 गोल्ड सहित कितने पदक जीता था कुल? 67। और तीसरे नंबर था चीन, जिन्होंने 26 गोल्ड सहित कुल कितने पदक जीते थे? 70। और हम बात कर लेते हैं उस देश की जहाँ पे खेल का आयोजन हुआ था, वो देश कौन सा था? ब्राज़ील। ब्राज़ील था 13वें नंबर पे, ठीक है, 13 नंबर पे ब्राज़ील था, जिन्होंने 7 गोल्ड सहित कुल पदक जीते थे 19। और भारत ने ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट की बात करने का मतलब है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हम पॉइंट में नोट करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं उन फैक्टों की जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहते, फिर भी देखते हैं किस किस को पता है, कितनी जानकारी है। हम अब उन फैक्टों की बात करते हैं, जैसे पदक की बात करते हैं। तो पदक का प्रारंभ कब हुआ था ओलंपिक में? पहली बार है ना, इसको नोट करके
नोट कर लीजिए, नोट लिखा लीजिए कि पहली बार पदक का प्रारंभ हुआ था कब? 1904 से पहली बार पदक का प्रारंभ हुआ था। दूसरी बात याद रखिएगा, पहली बार हॉकी को 1908 के ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। पहली बार ओलंपिक में शामिल खेल कौन कौन से खेल शामिल थे देख लीजिए, कब हुए थे 1908 के ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल थे। हॉकी को 1908 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा 1908 में हॉकी को शामिल किया गया था, गोताखोरी को शामिल किया गया था और रिले दौड़ को शामिल किया गया था। और फुटबॉल को कब शामिल किया गया था पहली बार? पहली बार ओलंपिक में फुटबॉल कब शामिल की गई थी? 1900 के ओलंपिक में, है ना, जो कहा हुआ था पेरिस में। अब हम आगे बात करते हैं कि 1900 पहली बार ओलंपिक का रेडियो में प्रसारण कब हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओलंपिक का पहली बार रेडियो में प्रसारण पहली बार ओलंपिक का रेडियो में प्रसारण कब हुआ था? रेडियो में प्रसारण हम पहली बार ओलंपिक का कब हुआ था? 1924 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक का रेडियो में प्रसारण हुआ था। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो लोगों को नॉर्मली पता नहीं रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और कृपया करके बार बार मैं बात वही बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए ध्यान लगा के। अब हम आगे बात करते हैं कि 1924 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था, वो थी तलवारबाजी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, पहली बार ओलंपिक में शामिल खेल कौन सा खेल शामिल किया गया था, वो था 1924 के ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल किया गया था, उसको तलवारबाजी, ठीक है। कौन सा खेल शामिल किया गया था पहली बार? तलवारबाजी शामिल किया गया था। 1936 के ओलंपिक की बात करते हैं, उसमें मशाल रिले दौड़ हुई थी, पुरुषों की प्रतियोगिता हैंडबॉल, कैनोइंग, बास्केटबॉल शामिल हुए थे, है ना। 1936 के ओलंपिक में किसे शामिल किया गया था? में शामिल किसे शामिल किया गया था 1936 के ओलंपिक में? पुरुषों की क्या प्रतियोगिता थी? पुरुषों की प्रतियोगिता में की बात करते हैं, उसमें था हैंडबॉल, कैनोइंग और बास्केटबॉल को 1936 के ओलंपिक में शामिल किया गया। आप याद रखिएगा कि किस ओलंपिक में इन प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया था पूछा जाता है। कुछ और फैक्ट की बात करते हैं, जैसे भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात कर लेते हैं, कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है नरेंद्र बत्रा। इस प्रकार से भारतीय ओलंपिक समिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना आपको भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं उस और फैक्ट की, जैसे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता किसे कौन सा है। खेल प्रतियोगिता में सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है ओलंपिक्स में, दूसरा नंबर होता है एशियन गेम्स का और तीसरा होता है राष्ट्रमंडल खेल। ओलंपिक में विश्व के
कम से कम 205 से 207 देश पार्टिसिपेट करते हैं। अभी पिछले 2016 के ओलंपिक में 207 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसके कुल मेंबर जो है ओलंपिक में कुल देश कितने हैं, 205 हैं। एशियन गेम्स मतलब जो एशिया के एशिया में होते हैं, और एशिया के आसपास एशिया में जितनी कंट्री होती है वो देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और राष्ट्रमंडल खेल जो हैं वो राष्ट्रमंडल खेलों में वो देश शामिल होते हैं जो इंग्लैंड के या तो अधीन थे या इंग्लैंड ने जिस पर शासन किया था, राष्ट्रमंडल खेल में वो देश शामिल होते हैं, इसको याद रखिएगा। ओलंपिक में शुभंकर का प्रारंभ कब हुआ था, ये 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में। मैं आपको बस बोल के बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हुआ था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ओलंपिक में जो शुभंकर का प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1968 की मेक्सिको सिटी ओलंपिक में, याद रखिएगा मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। ओलंपिक के स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पीटी उषा थी, ठीक है, ये जो थी पहली महिला थी जो ओलंपिक की स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थी, पीटी उषा थी, मगर इन्होंने पदक नहीं जीत पाया था। पीटी उषा जो थी धावक थी, एथलीट थी। क्रिकेट को अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली महिला साइनी अब्राहम। ओलंपिक से बेसबॉल को हटा दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा अब बेसबॉल जो है ओलंपिक खेलों में नहीं खेला जाता। ओलंपिक समिति की बात करते हैं तो ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। तो इस बार सदस्य की बात करते हैं तो भारत की नीता अंबानी जो है ओलंपिक कमेटी की सदस्य है, एक फैक्ट है जो पूछा जाता है, और अभी कुछ ही टाइम पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि नीता अंबानी जो है यानी इनमें से कौन जो है जो ओलंपिक समिति की सदस्य भारत की ओर से, तो उसमें कुछ नाम थे, नीता अंबानी, इंद्रानवी, बड़े बड़े नाम थे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो नीता अंबानी है जो ओलंपिक समिति की सदस्य है। और हम उस अब आगे बात करते हैं कि यूएसए के तैराक, यूएसए के स्विमर की बात करते हैं जिनका नाम है माइकल फेलप्स, जिनको गोल्डन शार्क के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने ओलंपिक काल में 23 स्वर्ण सहित कुल 28 पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण जीते हैं इन्होंने, 23 गोल्ड मेडल सहित 28 पदक, कुल इनके पास कितने पदक हैं, 28 पदक है इन्होंने तैराकी में जीते हैं, ठीक है। और एक ऐसा ओलंपिक है, एक ही ओलंपिक में अभी तक सर्वाधिक पदक किसने जीता है, सर्वाधिक वो भी गोल्ड मेडल, वो रूस ने जीता है, 55 गोल्ड मेडल जीता था, कब, 1988 सियोल दक्षिण कोरिया के ओलंपिक में, ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक चिन्ह को 1920 में पियरे डी कोबर्टिन ने निर्मित किया था। और ओलंपिक में राशि जो मिलती है उसकी बात कर लेते हैं, ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतता है उसको 75 लाख रुपए मिलते हैं, जो रजत पदक जीतता है उसको 50 लाख मिलते हैं, और जो 5 पदक जीतता है उसको 30 लाख मिलते हैं। तो हम ये बात कर लेते हैं ओलंपिक की, ओलंपिक में आज इतना ही बहुत है। अब आगे हम बात करेंगे कल कि ओलंपिक में, अभी हमने बात की थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, अब हम कल बात करेंगे शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एशियन गेम्स की बात करेंगे। तो हमें बात करते हैं तो देखो, खेल का ऐसा है कि खेल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे, मगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो ओलंपिक से आएंगे, एशियन गेम्स से आएंगे, राष्ट्रमंडल खेल से आएंगे। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, कुछ खेलों की शब्दावली पूछी जाती है, कुछ खेलों के खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है, उनकी या तो जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसके बारे में पूछा जाता है, कुछ खेल का प्रारंभ कब हुआ था वो पूछा जाता है, कहाँ हुए थे ये पूछा जाता है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। खेल फुटबॉल से पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो क्रिकेट से पूछा जाता है, हॉकी से पूछा जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो कल हमारा ध्यान रहेगा कि हम शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक
ज़्यादा वाला टॉपिक नहीं है और इनसे नॉर्मली इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। कुछ हाईलाइट पोर्शन है जिनको हम देख लेंगे कल, तो हम देखते हैं कल कितना क्या कवर कर पाते हैं। अब ओके थैंक यू। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।